हमारे देश में मूंग का उत्पादन खरीफ रबी के अलावा आजकल जायद सीजन में भी होने लगा है। मूंग की खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। यदि सही तरीके से इसकी खेती की जाए तो इससे काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मूंग की फसल में विभिन्न चक्र में अनेक प्रकार के रोग लगने की संभावना बनी रहती है। किसान भाइयों, यदि आप इन रोगों का सही पहचान करते हैं, उचित समय पर नियंत्रण करते हैं, तो फसल को खराब होने से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, इस भाग में हम बात करेंगे मूंग की फसल में लगने वाले दो प्रमुख रोगों की। तो सबसे पहले बात करते हैं पित चितेरी रोग के बारे में, जिसे हम येलो मोजेक वायरस भी कहते हैं। इस रोग में पत्तियों पर पीले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो आपस में एक साथ मिलकर तेजी से फैलकर पत्तियों पर बड़े बड़े धब्बे बनाते हैं। अंततः पत्तियां पूर्ण रूप से पीली हो जाती हैं। रोगग्रसित पौधे देर से परिपक्व होते हैं और ऐसे पौधों में फूल और कलियां स्वस्थ पौधों की अपेक्षा बहुत कम लगती हैं। पित्त चितेरी रोग से ग्रसित पौधों में पत्तियों के साथ साथ फलियों तथा दानों पर भी पीले धब्बे बन जाते हैं। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। यह विषाणु एक मौसम से दूसरे मौसम तक जीवित रहकर एक फसल से दूसरी फसल में इस रोग को फैलाते हैं। इस रोग से आप अपनी फसल को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। येलो मोजेक वायरस है, ये सफेद मक्खी की वजह से मूंग में लगता है। तो सफेद मक्खी जो आती है वो एक कीड़ा है। कीड़े को हम मार देंगे तो ये बीमारी नहीं आएगी। जो ये बीमारी है येलो मोजेक वायरस, ये नहीं आएगा। तो उस कीड़ों को मारने के लिए हमें बीज उपचार करना है। तो बीज उपचार के लिए ये इमिडाक्लोपिड, ये दवा है 17.8 SL, तो इसको 0.3 ml कोई पानी में घोल के, इतना पानी में उसको घोलना है कि 1 किलो सीड पे वो कोटिंग हो जाए, मतलब उस पर चिपक जाए, पूरा 1 किलो सीड भीग जाए, 1 किलो जो बीज है वो भीग जाए। तो उसको मिला के फिर सुखा देना है आपको, एक उस पर छांव में सुखा देना है। और फिर उसको अगर रात में करिएगा तो उसके बाद दिन होगा और सुबह से उसका बोने का प्रोसेस कर दीजिएगा। और अगर बोने के बाद ये बीमारी वापस से अगर आती है तो इसी दवा को जो आती है तो वो पौधे उखाड़ के नष्ट कर देना है, गाड़ देना है ज़मीन में उखाड़ के। और फिर उसके बाद बाकी जो पौधे बचे हुए हैं जिनमें ये बीमारी नहीं आई है, उसके लिए इसको 0.3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब में घोल बना के और अपने खेत में छिड़काव कर देना है, जिससे ये बीमारी फिर नहीं आएगी उसके। आइए अब बात कर लेते हैं रूट रोट के बारे में। यह रोग मूंग में अक्सर दिखाई देता है, जिसके कारण फसल उत्पादन में काफी कमी दिखाई देती है। जड़ गलन रोग के फंगस जमीन में पनपती हैं, जिसके प्रकोप से जड़ें काली पड़ जाती हैं, जिससे पौधे आवश्यक पोषक तत्व नहीं ले पाते और पौधे पीले होकर मुरझाकर मरने लगते हैं। अगर आपके खेत में भी यह बीमारी दिखाई दे तो तुरंत इसका प्रबंधन करें। वो कैसे, आइए जानते हैं। रूट रॉट और ये लीफ ब्लाइट जो हो रहा है वो फंगस से होता है। तो इसके लिए हमें बीज उपचार कर देना है। तो इसलिए दोनों इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों से हम बीज उपचार कर सकते हैं। तो पहले हमें फंजीसाइड को मिलाना है। तो फंजीसाइड एक कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम फंजीसाइड को 2 ग्राम/kg सीड में हमें मिला देना है पहले। अब समस्या ये आती है कि पहले इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों एक साथ मिला दें, हाँ मिला सकते हैं, लेकिन फंजीसाइड को पहले मिलाना है 2 ग्राम/kg सीड में। फंजीसाइड को पहले मिलाना है, फिर उसके बाद इंसेक्टिसाइड को 0.2 ml/kg सीड में मिला के सीड ट्रीटमेंट करके रात भर छोड़ दीजिए, उसको छाँव में एक सीट पर सुखा दीजिएगा और सुबह जाके बो दीजिएगा। तो उससे ये बीमारी बहुत हद तक कम हो जाती है। और उसके बावजूद भी अगर ये बीमारी आती है उसके बाद, तो यही कार्बेंडाजिम जो है वो आप 2 ग्राम/1 लीटर पानी में मिला के इसमें छिड़काव कर दीजिए। तो किसान भाइयों, इस बताए गए विधि के अनुसार आप मूंग में लगने वाली प्रमुख बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ।